एक जरूरी सूचना, हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर ही देखें। किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है, फौरन इलाज कराएं। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ये बाजू का घंटा दबाइए। जैसा न्यू वीडियो आते ही खन बोल के बचता है इन्हें। आइए साहब, बैठिए। शेव बनाना है। मुस्तरा दे। किस तरह दूं भाई? मुस्तरा दे बोला। वही बोल रहा हूँ भाई, किस तरह दूं बोल रहा हूँ। अरे वो फटे हुए पैजामे के उजड़े हुए नाड़े, मैं तेरे को शेप बनाने का मुस्तरा दे बोल रहा हूँ। ऐसा बोलो ना भाई, शेप बनाने का बोल के। अब समझ गया ना, जाके ले गया जा। क्या जाके लेके आ गया? दिन पे दिन ओवरिश हो रहा तुम्हारा लौटपना। तुम्हारे घुमा लो, हमारे बाबा कौन है? कौन है तुम्हारे बाबा? हमारे बाबा बहुत बड़े खानदानी आदमी है। हमारे बाबा के सामने अच्छे अच्छे लोग सर झुका के बैठते, सर झुका के बात करते। तो ऐसा बोलना रे हज्जा में बोल के। जाके लेके आ रे भाई, बैठे हुआ है साहब, बैठे हुए लेके आ जा भाई। भाई जरा देख के गली चेक का कान काट दिए तुम। अरे नो, ओ नो, नो। कर रहा करो, गलती से मिस्टेक हो गया भाई। बहुत खुला गिला तो फिर इन्हें खुद दस बच्चों का बाबा दिख रहा, बाबा को बुला के लाता कहती। पैदा होते कि भिलावा चाटा था क्या रे? कई को भाई जावा, इतनी काली जबान है तेरी, जो बोला वही छोड़ा। अगर मैं जो बोला वही छोड़ता था ना भाई, तुम यहाँ नहीं रहते थे। क्या बोला? मुंह हिल रहा था भाई, मुंह हिला रहा। मजा की हिला छत, जब देखो जब हिलाते रहता मुंह। दो दिन से पैखाने की चप्पल नहीं दिख रही, कहाँ है? हो गया मालूम भाई, आपको तो मालूम है बगैर चप्पल के जाता हूँ। वो मेरे को मालूम है तुम ना खानदानी गली से बोल के, लेकिन पैखाने की चप्पल कहाँ है? हो गया मालूम भाई, इससे पहले चंपू चोरी हो जब भी ऐसी बोला था तू, मैं हो गया मालूम बोल के, लेकिन बाद में तुम्हारे घर में निकला था वो गलती से आ गया था भाई। अभी भी गलती हुई होगी। अरे नहीं लिया बोल रहा हूँ, सही से बोलने में किसको भी नहीं बोल। नहीं मालूम भाई, नहीं बोल चप्पल कहाँ है? नहीं मालूम बोला। चप्पल कहाँ है? नहीं मालूम भाई। भाई जान ये होती क्या? शक नहीं करा रहे तेरे पर, खाली पूछा तेरे को। क्या है रे ये पैखाने की चप्पल है ने? मलिका शेरावत की सैंडल है जो पहले के पूरी बस्ती में फिर रहा। सौदा लाने गया था भजन। नहीं रे, सौदे के चक्कर में मेरा सौदा कब से की रुके हुआ, चप्पल दे। कौन सा सौदा बोल रहे भजन? वो जरा अलग है रे, अब थोड़ी देर में फायरिंग की आवाज आ सुन।
अरे नोर, तेरे को आज नहीं छोड़ दो रे। अरे बालों की गारंटी दिया था ना, बाला चले गए क्या है देख। कैसा चले गए अबा? कल पानी ना था कि पूरे बाला चले गए। बच्चों को बोला 6 महीने तक पानी को हाथ नहीं लगाना बोल के। 3 महीने तक पानी लेना आया था, घर में बोर गई थी गलीस, भाभी पकड़ के पानी नहीं लाए। अब क्या करूं रे? याबा, तुम्हारे टकले को देख के एक शेर याद आ रहा, बोलो क्या? इरशाद इरशाद इरशाद। अरे भाई जबरदस्त शायरी बोलते भाई। हुस्न तेरा इस कदर शालिम रहा, बाबा बाबा बाबा। हुस्न तेरा इस कदर शालिम रहा, सर मुंडाने पर भी तू जालिम रहा। क्या बोला भाई? याबा, अब तुम्हारा ऐसा परमानेंट इलाज करता हूँ हेयर ट्रीटमेंट का, देखते कि लोगा बोरान हो जाना खाली। आइए आप आइए, याबा बैठिए। आंखा बंद करो। अब खोलो आका। क्या मैं छूए? क्या मैं छूए? क्या मैं छूए? हाँ आप ही चाहिए। क्या मैं आई ये बाला तो पानी ना तो नहीं जाते ना ये? अरे पानी क्या, समंदर में होते मारे तो भी नहीं जाते आपके बाला। गारंटी है ना बालों की? 100%। अब जाएंगे खाली टिकता का बनाओ पीछे से, तेरी छोटी छोटी बात बनके। ठीक है जाओ। तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लंबा लंबा तेरा पार। अरे भाई इसको फिर से विक पिला के भेजा दे, तुम पानी में डाला तो फिर निकल लेंगे। पानी में? अब उन्हें वो बालों से एरोप्लेन खींचा तो भी नहीं निकलते उसके बाला। कहीं को ऐसा भाई, फेविक्विक फेविकॉल और एमसील मिला के चिपका दिया उसके बाला। मेरा पास चलता था ना तो मोची के लिए मारता था उसके सर पे। मार देना था। हत्ती पैसे नहीं दिया वो लेके आ भाग। अरे कौन तो भी आ रहे, इधर खाली बुला के बिठा दिए। साहब मैं हूँ साहब। तुम ही चाहे? जी हाँ साहब। करते ना अच्छी कटिंग तो? अच्छे अच्छों के काट दिया तू साहब। मैं देखो मियां, मैं जो है ऐसे छोटे मोटे सैलूनों में बाला नहीं कटाता हूँ, मेरा खुद का हेयर स्टाइलिश है। आज उसकी तबीयत खराब है बोल के आपकी दुकान दिखी तो अंदर आ गया मैं। अपन को जो है तारीफ के भूखे, अपन तारीफ होना, कटिंग हुए बाद एक दो जने तो भी तारीफ करना मेरी। बेफिक्र रहिए साहब, दो क्या पूरा मोहल्ला तारीफ करता है आपकी। अब देखिए आप खाली नूर भाई कटिंग करने वाले आपकी। हाँ देखियो। और एक बात, बाला जो है यहाँ से 3 सेंटीमीटर काटो, इधर से 2.5 काटो, जरा फेड दिख गया ना। ओके एप्रॉन ला। कितने सालों से वैसी रखे हुआ है कि वो? नहीं है साहब। ये क्या कर रहे यार कुश्तियां? स्टाइलिश हूँ साहब मैं भी। सेटिंग कर रहा हूं पहले लेवल। हाँ करो करो। ओह नो। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? दीवाने कटिंग आता है नहीं आता बना रहे? देखो पूरे बालों की वाट लगा दिया। क्या कटिंग करे बोले भाई, क्या स्टाइल है बोले भाई, अरे क्या दिख रहे भाई तुम। अरे मैं तो बोल रहा हूँ पूरे शहर में ऐसी कटिंग कोई नहीं करा। उतना अच्छा दिख रहा हूँ। अरे फिर क्या समझ भाई, एक सेल्फी लियो भाई। ले ले फोटो ले, फोटो ले। मैं करा बोल के लिए बाला खींचे जा रहे भाई। जबरदस्त कटिंग करे आप भाई, खत्म है मसला। देख रहे आप कैसा दिख रहा है स्टाइल आपका।
देखिए खाली आप जंगल के बीच में जो हाईवे जा रहा सरका दिख रहा, कितनी बेहतरीन करो कटिंग। वाकई कुछ बात है मियां तुम्हारे हाथों में। हाँ क्या समझ रहे फिर गुरु भाई स्टाइलिश बोलते अपने को। हेयर खैर बेहतरीन करे तुम, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे करने चाहिए। कैसी दिख रही साहब? एकदम यूनिक है देखिए। अच्छी तो दिख रही है, दे रही है। चलो कितने पैसे? 300 रुपए काउंटर पे दे दीजिए साहब। ठीक है। अरे भाई क्या स्टाइलिश कटिंग करे भाई, बेहतरीन कटिंग कर दी उसकी तुम। वो मशीन गलती से चल के उसके बाला कट गए, उन्हें नहीं दिखा शायद। क्या समझ रहा फिर, बड़े बड़े स्टाइलिश मेरे पास आके छिपके जाते रहे। नूर भाई बोलते हैं मेरे को। वाहे वो ये तो है। फिर तेरे को नया स्टाइल दूं क्या? रखो रखो भाई। रात में जाने से पहले जेवा चेक करा के जा तू। कहीं भाई कल दो तेल के शीशियां कमाए दो। ये पीछे मोटा के कुछ दिख रहा है नहीं भाई।